हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो जो है हमारी क्या है पाइनस का ये जो सीरीज़ चल रहा ये 4 है ये पार्ट फोर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डे बाय डे जो है एनाटॉमी पढ़ रहे हैं है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाइनस के एनाटॉमी पढ़ रहे हैं यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें हमने देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखी थी हमने यंग रूट और ओल्ड रूट दोनों के बारे में पढ़ा था अब हम लोग क्या देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग शूट के बारे में देखेंगे और जो है ओल्ड शूट के बारे में देखेंगे यानी हम लोग किसकी बात करेंगे स्टेम ऑफ पाइनस देखेंगे है ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखेंगे पाइनस का तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनी लीव बेसिस आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ड्यू टू विच इट अपीयर्स वेवी इन आउटलाइन कह रहा है कि जो स्टेम है उस पर बहुत सारे लीव के बेसिस हैं भाई स्टेम से ही क्या होता है लीव निकलते हैं है ना तो क्या होता है कि स्टेम वे ही जो है बहुत सारे लीव बेसिस प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका जो अपियरेंस आएगा वो वेवी आएगा है ना वेव लाइक स्ट्रक्चर आएगा आउटलाइन उसकी वेवी होगी नेक्स्ट पॉइंट कहता है आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है जो सबसे आउटर मोस्ट है वो सिंगल लेयर है एक लेयर है थिक वॉल्ड है थिक वॉल यानी कि क्या है मोटी सी एक परत है एपिडर्मिस की हैविली क्यूटिकुलराइज है और क्या है जो कॉर्टेक्स से हमारा वो क्या है मल्टी लेयर्ड है कई लेयर्ड में हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है थर्ड पॉइंट कहता है अ फ्यू आउटर लेयर्स ऑफ कॉर्टिक्स स्कलरन क्लाइमेटिस एंड सम इनर लेयर्स आर पेरेंट क्राइमेटिस इसका मतलब है कि कॉर्टेक्स की जो बाहरी लेयर्स हैं वो कुछ लेयर्स जो है स्किलइमेटिस सेल से बनी है और कुछ अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो पेरेंटाइमेटिस सेल से बनी है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इन द इनर लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स आर प्रेजेंट मैनी रेजिन कैनॉल्स कॉर्टेक्स की जब इनर लेयर है वहाँ पे बहुत सारे रेजिन केनाल्स प्रेजेंट हैं नेक्स्ट है द स्टील इज़ यू स्टीलिक और पॉलीफैक्सिकुलर एंडार्क सिफ्नो स्टील यू स्टीलिक का मतलब होता है कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये जो जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रैंड्स होते हैं इनके बीच में पेरेंकाइमिटिस सेल्स भी प्रेजेंट होंगे है ना तो ऐसी कंडीशन को यू स्टीलिक कंडीशन कहते हैं और एंडाक सिफनो स्टील का मतलब होता है एंडाक का मतलब होता है जिसमें प्रोटोजाइलम जो है वो आ, आ, इनर साइड हो और मेटाजाइलम जो है वो आउटर साइड हो और सिफनो स्टील मतलब कि जो स्टील है हमारी उसमें पिथ प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन एंड एंड डार्क एंड रिजेंबल ग्रेटली विद दैट ऑफ द डाइकोटम फाइव से टेन वैस्कुलर बंडल्स होंगे जो कि एक रिंग में अरेंज होंगे अब ये सारे टर्म्स आपको पता ही है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल आर इनडिस्टिंगलिशबल यानी कि एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल में आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फिर है नेरोजाइलम रेज कनेक्ट द कॉर्टेक्स एंड पिथ जाइलम की जो रेज हैं पतली पतली हैं वो क्या कर रही है कॉर्टेक्स और पिथ को कनेक्ट कर रही है जाइलम कैसा है एंड डार्क है जिसमें सिर्फ ट्रिकीट्स प्रेजेंट हैं है ना फिर फ्लोएम कैसा है फ्लोएम जो है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है और कंसिस्ट ऑफ उसमें सीव सेल्स भी हैं सीव प्लेट्स भी हैं फ्लोएम पेरन कायमा भी है और सम एल्बुमिनस सेल्स भी प्रेजेंट है ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सारा कुछ अभी आप डाइग्राम में देख के तब आपको क्लियर हो जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कैम्बियम कैसा है प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में बहुत सारी लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं और हमारा जो सेंटर में आता है वो कैसा है स्मॉल पेरेंट क्लाइमेटर्स पिथ इस प्रेजेंट एन देंटर ऑफ द स्टेम स्टेम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है एक पिथ प्रेजेंट है इसीलिए पहले अभी क्या पढ़ा था कि सिफ्नो स्टील कंडीशन यानी स्टील कैसा है सिफ्नो स्टील जिसमें क्या है कि पिथ जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है ऐसी कंडीशन को सिफनो स्टील कहते हैं ठीक है ठेके? तो ये हमारा होता है टी एस ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग शूट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओल्ड शूट के बारे में ओल्ड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे अब हमारा आ जाता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओल्ड शूट के बारे में पढ़ेंगे है ना अभी तक यंग शूट पढ़ा था अब ओल्ड शूट ओल्ड शूट में कहता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैसी stem, है सिमिलर टू दैट ऑफ द डाइकोडेलिडनस स्टेम जो कि प्रेजेंट है किसमें ओल्ड स्टेम ऑफ पाइनस में ओल्ड स्टेम जो है कैसा है? एकदम प्रेजेंट है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोडनस स्टेम की तरह एकदम सिमिलर है कॉर कैम्बियम की बात अगर करें तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि कॉर कैम्बियम क्या कर रही है कट कर रही है किसको कॉर को टूवर्ड्स आउटर साइड पे कट कर रही है और कुछ लेयर्स जो है फ्यू लेयर्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स टूवर्ड्स इनर साइड पे कट कर रही है ये सारा कुछ डायग्राम में देखते हैं अभी नाउ कम टू थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट कहता है कि मैनी टेन सेल्स एंड रेजिन कैनालॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्राइमरी कॉन्टेक्स यानी कि प्राइमरी कॉन्टेक्स में बहुत सारे टेनिन से फिल्ड सेल्स प्रेजेंट है और रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट है इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो है ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं पाइनस के प्लांट्स को ये प्रोटेक्शन करते हैं ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज़म्स इसको अफेक्ट ना करें है ना पाइनस के प्लांट को फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कैम्बियम कट्स सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टोवर्ड्स इनर साइड यानी कि जो कैम्बियम है वो क्या कर रही है सेकेंडरी फ्लोएम को आउटर साइड से कट कर रही है और सेकेंडरी जाइलम को इनर साइड से कट कर रही है फिर प्राइमरी फ्लोएम इज क्रश्ड एंड पुश टुवर्ड्स आउटर साइड बाय द सेकेंडरी फ्लोएम फिर प्राइमरी फ्लोएम कैसा एकदम क्रश करके हो गया है है ना एंड पुश टुवर्ड्स आउटर साइड बाय द सेकेंडरी फ्लोएम और क्या कर रहा है उसको जो है सेकेंडरी फ्लोएम क्या कर रहा है पुश कर रहा है आउटर साइड को नाव मुविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सिकस्त पॉइंट कहता है इन द सेकंड्रीज आई एनुअल रिंग्स ऑफ थिन वॉल स्प्रिंग वुड जो कि स्प्रिंग सीजन में बनती है और थिक वॉल ऑटम वुड जो कि ऑटम सीजन में बनती है आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली मतलब कि कह रहा है कि जो सेकेंडरी जाइलम है इनका इसमें जो एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ना सर्कुलर वे में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं तो वो कैसे होती हैं कि पहले एक पतली सी स्प्रिंग वुड की एक लेयर होगी फिर उसके मोट उसके बगल में उसके बाद मोटी सी ऑटम वुड की जो है एक लेयर प्रेजेंट होगी तो मतलब ऐसे करके जो है पहले स्प्रिंग वुड की फिर ऑटम वुड की फिर स्प्रिंग वुड की फिर ऑटम वुड की ऐसे ऑल्टरनेटली जो है इन थिक वॉल और थिक थिन और थिक वॉल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है फिर ऐसे कॉम्पैक्ट वुड को कहते हैं पिकनोजाइलिक कंडीशन यानी कि पिकनोजाइलिक -like में ये होता है कि ये जो एनुअल रिंग्स हैं इनको हम काउंट करके प्लांट की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं सेवेंथ पॉइंट कहता है कि बिलो द सेकेंडरी जाइलम आर प्रेजेंट अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ एंडार्क प्राइमरी जाइलम। यानी कि सेकेंडरी जाइलम के नीचे क्या है कुछ ग्रुप्स ऑफ़ एंडार्क प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट एंडार्क का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटोजाइलम पहले बन जाए और क्या हो वो वह के सेंटर में प्रेजेंट हो ऐसी कंडीशन को एंडाक प्राइमरी नाउ कम टू द एट पॉइंट एट पॉइंट क्या था कि सम ऑफ द मेडुलरी रेज जो है वो क्या कर रही है कनेक्ट द पिथ विध द कॉटेक्स कुछ मेडुलरी रेज प्रेजेंट है जो पिथ को कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रही हैं तो जो प्राइमरी मेडुलरी रेज जो हैं है ना जो मेडुलरी रेज जो है पिथ और कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है उनको प्राइमरी मेडुलरी रेज कहते हैं और जो क्या है वाइल अदर रन इन बिटवीन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में रन कर रही हैं उनको कहेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज फिर उसके बाद नाइन पॉइंट कहता है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम इज इस फील्ड विदरेंट क्लाइमेट पित जो स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट है बीच वाला पार्ट है वो किससे भरा हुआ है वो पेरेंट क्लाइमेट पिथ से भरा हुआ है नाउ कम टू द टेंथ एंड द लास्ट पॉइंट रेजिन केनाल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम एंड रेयरली इन द पिथ यानी कि रेजिन कैनाल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम और पिथ में भी प्रेजेंट है अब हम लोग डायग्राम पे आ जाते हैं डायग्राम में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कॉर्क प्रेजेंट है फिर कॉर्क कैम्बियम की लेयर है फिर बीच में कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट हैं फिर क्रस्ड प्राइमरी फ्लोएम है सेकेंडरी फ्लोएम है फिर, फिर कैम्बियम की एक रिंग है फिर सेकेंडरी वुड और ऑटम वुड है है ना वो जो ऑल्टरनेट में रिंग्स थी एनुअल रिंग्स जिससे पता करते हैं फिर उसके बाद जो है मेडलरी रेस प्रेजेंट है रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट हैं फिर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट है पिथ प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो होता है टी एस ऑफ ओल्ड शूट <fans>